अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जुमा मुबारक, लेट हो गए थोड़ा सा, लेकिन खैर कोई नहीं। आज हमने ईके और ईजी का बिलालगंज से कुछ सामान वगैरह पैदा करना है और एक दो काम और बिलालगंज से करना है, तो इंशाल्लाह अब हम चिल एसी में बैठे हुए हैं, इंजॉय करते हुए जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जा रहे हैं गिराज, गिराज जाके देखते हैं कि क्या काम शाम की अपडेट है। चलो जी, हम निकलने लगे हैं टूवर्ड्स बिलालगंज। गर्मी बढ़ी है, मैंने कहा एक पाइप से ना इसको लगाते हैं छटा, एसी को भी और गाड़ी को भी ठंडी हो जाए, समय धूप में खड़ी दी जाए। हाँ जी भाई, क्या मसला हुआ? ये देखिए करो मारो सलाम मारो। अरे वो पता नहीं क्या सीन है, गाड़ी हम बिलालगंज देख रहे हैं और हमारा फ्यूल पम्प डेड हो गया। ये कल भी मसला कर रही थी और अब हम फ्यूल पम्प चेंज कराने आ गए हैं, टैंकी खोलनी पड़ेगी इसके लिए, देखते हैं कितना टाइम लगता है। पूरी ना किस्मत में मसला है, बिलालगंज आए थे किसी और काम से और इधर 88 का जो है ना फ्यूल पम्प डेड हो गया, अब वो खुलवा रहे हैं, थोड़ी देर खड़े खड़े चेंज करवाना है क्योंकि वापसी हमने इसी पे जाना था, तो देखते हैं अब क्या सीन लगता है। ये अब टैंकी इसकी खोल रही है, इधर हम चढ़ गई गाड़ी ऊपर, टैंकी खोल रहे हैं। सीन ये है कि हमें फ्यूल पम्प इसका जो डाला था ना, इट हैज़ बीन लाइक तकरीबन कोई 6 या 7 साल हो गए फ्यूल पम्प हमने इसका चेंज नहीं किया, तब इसका बनता था, इसलिए दुख भी नहीं हो रहा। दुख सिर्फ ये हो रहा है कि यार कल एसी का काम कराया, आज ये मसला निकला, सिर्फ ये दुख है, ये नहीं कि फ्यूल पम्प डेड हो गया। शूट फ्यूल पम्प का भी टाइम आने ही वाला था और आ गया, वो चेंज हो रहा है। टैंकी खुल गई है, ये फिल्टर इसके साथ ही निकला है, माशाल्लाह गंदा कितना, वीडियो ला रहा वीडियो वही देख रहा है अंदर, लेकिन टैंकी तो साफ है, वो साफ है ये ये किस गाड़ी का वैसे लग रहा है, कैसा मैकेनिक है तुझे पता है? 6-7 साल बाद जाके फ्यूल पंप और फ्यूल फिल्टर खुल रहा है, चेक करो इतना गंदा। ये बिल्कुल ही जोक हुआ जिसकी वजह से मेरे ख्याल से फ्यूल पंप हमारा डेड हो गया, लेकिन टैंकी अंदर से साफ निकली है, ये गंदा पेट्रोल की निशानी है। ये जी दूसरा पंप मिल गया हमें, सेम टू सेम, शुक्र है ये मिला हमें 3000 का, सेम टू सेम है, बस कलर का फर्क है, ये पता नहीं ब्रांड का लिखा हुआ है इसके ऊपर, लेकिन अच्छी चीज़ ही लग रही है। प्रेशर वगैरह चेक किया, अभी उसको भी कहते हैं चेक करके डाले इसको। सो फाइनली आफ्टर 2 घंटे ये 2.5 घंटे अपना फ्यूल पंप चेंज हो गया, अभी तक तो गाड़ी ओके है, फ्यूल पंप तो चेंज हो गया लेकिन अभी फ्यूल कम है, वो भी डलवाना है अभी। चलो लेट्स होप कि अब ठीक ही रहे गाड़ी, ओके रहे हर चीज़। दूसरा पंप भी दोबारा फोट हो गया, अब दोबारा खोला, अब ये सही, इसको मैंने कहा था पहले भी खोल दे, अब ये खोल रहा है। 10 बजने वाले हैं और अभी तक दूसरा पंप वापस फिट हो रहा है, टैंकी नहीं फिट हुई अभी तक, बस करके फिर इसको स्टार्ट करें और घर चलें, थक गए हूँ बॉस बहुत ज़्यादा। फिर अब आवाम पूछती है कि इतना सांस क्यों चढ़ा होता है, गर्मी इतनी ज़्यादा है यार, और ये प्रोजेक्ट कार्स कोई ना कोई नए रोले रोज़ के बैड सी। टाइम तकरीबन 10:40 हो गया और अब हम बिलालगंज से निकल रहे हैं, लेट्स होप सही रही अब गाड़ी। कल हम बहुत लेट हो गए थे यार, उधर गाड़ी अपना मसला हल नहीं हुआ, उधर से रास्ते में हमने पंप जब दूसरा पंप डलवा के निकले हैं नहर पे चढ़े हैं, वो गाड़ी फिर उधर बंद हो गई है। उसके बाद फिर हम धक्का तो नहीं, थोड़ी देर चलता था फिर बंद हो जाती, थोड़ी देर चलती थी उसना करते कराते, तकरीबन हमको 1.25 घंटे बाद एक इलेक्ट्रीशियन के पास पहुँचे, जाने वाले ही है, तो वहाँ पर चेक कराते कराते फ्यूल पम्प वो भी डेड हो गया। तो गाड़ी हम रात को उधर ही छोड़े थे, मैं वहाँ से तकरीबन 3-3:30 बजे वापस आया हूँ, मेरा दिल नहीं करता वहाँ गाड़ी छोड़ने को, तो अब हम मदरी में बैठे हैं जा रहे हैं गिराज, वहाँ से देखते हैं क्या सीन पार्ट बनता है, 88 को किस तरह लेकर आना है। चलो जी, असल में ना मैं कुछ दिन पहले ये सारों को यही कह रहा था कि 6-7 साल हो गए हैं फ्यूल पंप इसका चेंज नहीं हुआ, अभी तक वही चल रहा है, 2 सीजन पहले का चल रहा है, और वही मेरी नज़र लग गई है, फ्यूल पम्प डेड हो गया और उसके बाद अब 2 से 3 फ्यूल पम्प हो गया, अभी तक कुछ चल नहीं रहा, गाड़ी क्लियर नहीं हो रही, पता नहीं क्या मसला हुआ है, पता नहीं नज़रें हैं या क्या यार, मैं बड़े अफसोस में बैठा हूँ, एक आधे दिन में इसके इतने काम मुझे कराने पड़ गए हैं। दुख इस चीज़ का कि यार एक
काम करवाओ दूसरा काम निकल आता है, और वो छोटे छोटे काम हो के फिर इतने बड़े काम बन जाते हैं कि समझ नहीं आती टाइम का, मेन ज़ाया होता है टाइम। तो पता नहीं क्या सीन है। अब जितनी गर्मी है ना, मैं मदनी डेली इसकी वजह से नहीं चला रहा, क्योंकि इसमें गर्मी बहुत है यार, बहुत गर्मी है, उसका सेका बहुत ज़्यादा आता है, और वो मैं उसको डेली चला रहा था लेकिन उसके अंदर इतने समझ नहीं आ रहा है, रोज़ के रोज़ कोई नए मसले निकले जा रहे हैं, नज़र लगी हुई है, क्या है पता नहीं क्या सिस्टम है। कोई नहीं, अल्लाह बेहतर करे, लगे हुए तो हमें पुतनी का हमें सिर्फ एक फ़ायदा है, वो है होप्स एंड बैंक्स। ये हम दूसरा वाला फ्यूल पंप डालेंगे इसमें 88 में। अच्छा, तो फाइनली गाड़ी हमारे पास वापस आ गई वर्कशॉप, अभी हम जा रहे हैं पेट्रोल लेने उसके लिए। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह करे गाड़ी अब ओके हो गई हो, मिलते हैं फिर आपको पेट्रोल डलवाने के बाद अपनी गाड़ी। मैं असल में यार कल परसों से जब से एसी का काम निकला फिर ये फ्यूल पंप का मैं बड़ा डिसहर्ट हो गया था, ऐसे जैसे नज़र लग रही है या क्या है पता नहीं। खैर कोई नहीं, अल्लाह तो कम, गाड़ी अब क्लियर, अभी तक तो क्लियर है, देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, सी यू। पेट्रोल हमने डाल दिया गाड़ी, अब अभी तक तो ठीक चल रही है अल्लाह का शुक्र है, आगे अब देखते हैं क्या सीन पार्ट होता है। अभी उन्होंने हमारा जिन्होंने पिछली दफ़ा बिलालगंज पे टैंक खोला था ना, उन्होंने गेज की तार तोड़ दी थी, ये गाड़ी बंद होने का क्यों आ रही है यार, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर यार, ये अभी भी कर रहा मसला, कुछ कोई मसला है। 10 लीटर फ्यूल डलवाने के बाद भी ये पता नहीं थोड़ा सा मसला कर रही है, एक तो उन्होंने गेज की तारें तोड़ दी थी, पता भी नहीं कितना पेट्रोल इसमें है कि नहीं। अभी जाते हैं पंप पे, गाड़ी डलवाते हैं साथ, थोड़ा सा और फ्यूल डलवाते हैं तो देखते हैं मसला हल होता कि नहीं टैंकी में, कोई वरना ये पे वाला सिस्टम करना पड़ना है। पहले इसने मुझे ये 6-7 सालों में आज तक इसने इस चीज़ के बारे में तंग नहीं किया, ये फ्यूल पंप चेंज किया है, और इन्होंने बिलालगंज ने कोई टैंकी टूंकी के साथ डेंटिंग डूंटिंग की है, उसके बाद से इसने ये लो फ्यूल वाला बहुत ज़्यादा मसला करने लग गया। खैर अच्छा, तो आफ्टर 2 डेज ऑफ ख्वारी इसका फ्यूल पम्प फाइनली सेट हो गया, गाड़ी अब चलने में ओके है, बस एक मसला और आ रहा है कि वो है कि फ्यूल पम्प का प्रेशर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, अब ये पाइप फाड़ रही है, ये जो पाइप पड़ा हुआ नीचे इसने ये पाइप फाड़ दिया, आप इसकी रिटर्न लाइन ऑन करनी है और इसको FPR डालना है। अब जा रहे हैं हम गैराज, इसको FPR डालते हैं, बहुत लंबा हो गया, असल में ना मेरा दिल ख़राब हो गया था, ये 2-3 दिन इसने मुझे इतना जलील किया है, इसने फिर बिलालगंज में बहुत जलील हुआ, उन्होंने छोटे मोटे काम और निकाल दिए हैं, टैंकी निकालते हुए उन्होंने मेरी गाड़ी की गेज की तारें खींच दी और वो तोड़ दिए गेज। तो कोई नहीं, वो भी अब फैसल को कहते हैं कि सही करनी है, टोचन लगानी इसको, क्या कहते हैं उसको, टोचन तो नहीं कहते उसको, कहते हैं टांका लगाना है, वो तीनों तारे गेज से ऐसे खींच के बाहर आ गई हैं, वो चेक करते हैं, वो चेक नहीं करनी, वो तो मुझे पता है वो टांका ही लगेगा। चलो अब गैराज पे चलते हैं, अभी हालात देख रहे होंगे, मैं आज भी लेट उठाऊँ क्योंकि रात तक इसके पीछे अखबार उतरे हैं। बॉयज अपडेट ये है कि गाड़ी अल्लाह का शुक्र ऑल क्लियर, FPR लग गया है। अब असल में ना बारिश शुरू हो गई थी तो हम अंदर आके गाड़ी में बैठ गए AC चला के, क्योंकि बारिश शुरू हो गई और हमें नज़र कुछ नहीं आ रहा इधर से, तो इस वजह से अब हम देखते हैं आज का क्या प्लान है, निकलते हैं कहीं, बारिश मौसम इज़ वेरी गुड, तो देखते हैं क्या प्लान है, सी यू। कल हमने इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं और हमारा शुक्र है गेज भी चल पड़ा, असल में गेज उन्होंने टैंकी खोलते हुए ग्रिप उतारा नहीं, ऊपर से पीछे से टैंकी नीचे जब खींची है ग्रिप की तारें कट गई, तो अब वो भी हमने कल मैंने और फैसल ने बड़ी ट्राइयाँ मारी थी, अब आई कैन सी चल गया, ओके हो गया। मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, और दुआ किया करो यार नज़र ना लगा करे इस गाड़ी को, मुझे बड़ा दुख होता है, मैं बड़ा डिसहर्ट हो गया था इसलिए मैंने 2 दिन ना व्लॉग सही तरह नहीं बना सका। खैर कोई नहीं, इंशाल्लाह पार्ट ऑफ लाइफ पार्ट ऑफ गेम, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए